गुड आफ्टरनून स्टूडेंट माय नेम इज़ रमनदीप कौर ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सी एस आर का आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिपल बॉटम लाइन उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस अपने जो उसका प्लान होता है उसमें ट्रिपल बॉटम लाइन लिखता है इसलिए ताकि वो बेनिफिट उसके थ्री स्टेक होल्डर्स के लिए जो बेनिफिट है उसको इनक्रीज कर सके बिना किसी को एक्सप्लॉयट किए हार्म किए ठीक है किसी को भी एक्सप्लोइ किए बिना तो इंट्रोडक्शन है ट्रिपल बॉटम लाइन की कि ये जो टर्म है ट्रिपल बॉटम लाइन ये अल्किंगटन की बुक नाइन्टी फोर में इसको वहाँ से ड्राइव्ड हुआ तो ये कंसेप्ट सिग्निफाई करता है कि प्रॉफिट के अलावा बिज़नेस को और भी जो एक्शन हैं उन पर फोकस करना चाहिए जो इम्पेक्ट करते हैं पीपल्स को जैसे कि इम्प्लॉज़ हो गए कम्युनिटी होगी जहाँ पर वो रह रहे हैं और इन्वॉर्मेंट को जो बिज़नेस का है तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है वो थ्री पीज का कंसेप्ट है दैट इज़ पीपल प्लानट एंड प्रॉफिट तो इसका मतलब है कि फॉर्म को जो है वो अकाउंटेबल होती है अपने सोशल इन्वॉर्मेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए वो अकाउंटेबल होती हैं तो जो बेनिफिट होता है ट्रिपल बॉटम लाइन का वो हमें इमीडिएट नहीं मिल जाता हमेशा ही वो हमें इमीडिएट नहीं मिल जाता वो बेनिफिट जो है वो ओवर अ टाइम बहुत टाइम पीरियड के बाद भी मिल सकता है ठीक है जी जैसे कि साउथ वेस्ट एयरलाइन साउथ वेस्ट एयरलाइंस डी एंड पैटागोनिया जो है वो कंपनीज जो हैं वो एग्जांपल्स हैं इसकी ट्रिपल बॉटम लाइन की जो अफेक्टिवली यूटिलाइज करती हैं इस अप्रोच को ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसको हेल्दी ऑपरेट कर सकें राइट नेक्स्ट है हमारे इसके थ्री पीस ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन के जो थ्री पीस मैंने आपको बताए पीपल पैरानेंट एंड प्रॉफिट ठीक है तो फर्स्ट है पीपल पीपल जो है वो सोशल मेजरस है सोशल सोसाइटी के साथ रिलेटेड है इसका एम्स होता है कि हमने बिजनेस है ना फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है है ना कंपनीज़ ने अडॉप्ट करनी है जो सोशल सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करे कॉस्ट को रिडक्शन करें लोकल कम्युनिटी के में जहाँ ये बिज़नेस हम कंडक्ट करें पीपल को यहाँ कंसिडर किया जाता है एम्प्लॉइज़ हो गए लेबर इन्वॉल्व होगी कॉपरेशन के वर्क में जो वाइडर कम्युनिटी है जो कॉप्रेशन के साथ बिजनेस करती है वो सारा इसमें आ जाएगा ठीक है जी अनदर वे टू लुक एट पीपल दूसरा वे है कि कंपनी कैसे बेनिफिट करती है सोसाइटी को ठीक है एट ट्रिपल बॉटम लाइन कंपनी जो है वो पे फेयर वेजेस पे करती है ना इंश्योर करती है नेसेसरी स्टेप लेती है वर्किंग कंडीशन को सप्लायर तक फैक्ट्रीज तक पहुँचाने के लिए तो ये डील किस चीज़ के साथ करती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ एजुकेशनल अटेनमेंट के साथ हेल्थ वेलनेस के साथ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइक ये साथ ठीक है नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट इज इन्वॉर्मेंटल मेजर्स ठीक है वो किसकी चीज से रिलेटेड है प्लानट जो कि इन्वायरमेंटल मैजर्स के साथ रिलेटेड है तो इसका मतलब है कि इट रेफर्स टू सस्टेनेबल इन्वायॉर्मेंट मेजर्स ठीक है सस्टेनेबल इन्वायमेंट मैजर्स की ये है ना फॉर्म यूज़ करती है ताकि वो जो भी इन्वामेंटल इम्पेक्ट है इन्वामेंट में जो इश्यूज़ राइज हो होते हैं उनको कैसे एड्रेस करना है टूडे की जो आज की जो सोसाइटी है वो बहुत ही वरिड है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पब्लिक ओपिनियन ये है कि जो इंटरप्राइज इन्वायमेंट को हार्म हार्म करती है उनको इसकी चीज़ की कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ेगी ठीक है ट्रिप लाइन जो ट्रिपल बॉटम लाइन है वो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्राई करे कि जो उनका फुटप्रिंट है जितना रिड्यूस कर सके जितना पॉसिबल हो उतना उसको करें है ना वो uh, वो एफर्ट से लगाएं वेस्ट uh, को रिड्यूस करने में रीन्यूबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए ना मैनेज करें अपने नेचुरल रिसोर्स को एफिशिएंटली तरीके से और इम्प्रूव करें लॉजिस्टिक फॉर एग्जांपल जो एप्पल है उन्होंने हेवली इन्वेस्टमेंट किया है इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी में ठीक है तो अदर जो दूसरे हैं लाइक like फेसबुक हो गया गूगल हो गया है ना वो रीन्यूबल यूजर्स एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं है? वो डील कर रहे हैं रिसाइकलिंग करने में री re, रिफ्यूज़ uh, करते हैं वेस्ट एनर्जी वाटर एयर क्वालिटी लैंड नेचुरल हैबिटेट एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन पर वो फोकस करते हैं ठीक है थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट जो इकोनॉमिक्स में अक्सर है ये सिग्निफाई किया जाता है कि इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो फॉर्म की वो बिजनेस द्वारा क्रिएट की जाती है वहाँ पर हर एक बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए परस्यू कर रहा है उसके लिए ही चलाया जाता है तो ट्रिपल बॉटम लाइन सीज इट एज वन ऑफ द पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान तो वो इसको एज अ बिजनेस का पार्ट मानती हैं कि हमारा जो फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल होंगे तो भी हम बिजनेस को रन कर सकेंगे सो सस्टेनेबल आल्सो ऑल्सो रिकोगनाइज प्रॉफिट इजन ड्रामेटिकली ड्रामेटिकली अपोज टू पीपल ऑफ प्लान ठीक है जो प्रॉफिट प्रॉफिट या जो अपोज ना करें पीपल और प्लानट को इट में डील विथ पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम के साथ डील करता है इंप्लॉयमेंट की री करता है री इन्वेस्टमेंट करता है नॉलेज कॉम्पिटेटिवनेस ठीक है नेक्स्ट तो ये थे हमारे तीन तीन ट्रिपल बॉटम लाइन के कंसेप्ट पीपल एंड प्रॉफिट ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन तो फर्स्ट है ये मार्केट शेयर को इन्हांस करता है और फॉर्म का जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करता है तो ये इम्प्रूव एनर्जी कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस होती है उसको इम्प्रूव करता है वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करता है इम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है इंक्रीज करता है तो जो भी कॉन्ट्राडक्टिंग और वियर एंड ईयर एक्सपेंसिज है उनको रिड्यूस करता है बिजनेस के साथ जो रिड्यूज़ एसोसिएटेड uh, होता है रिस्क एसोसिएट होता है रिस्क रिलेट होता है बिज़नेस के साथ उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है अदर बेनिफिट्स इसके क्या हैं कि ये जो थ्री बैल एलिमेंट्स हैं बिजनेस डिसिप्लिन के इकोनॉमिक सोशल और इन्वॉर्मेंट इन पीपल प्रॉफिट एंड प्लैनेट आर बेटर डिफाइंड ठीक है, है? इसमें जो थ्री एलिमेंट है पीपल प्रॉफिट एंड प्लेनेट को टी में मीन्स के ट्रिपल बॉटम लाइन में बहुत ही बेटर तरीके से डिफाइंड किया है एज़ कम्पेयर टू सी एस आर अगर हम सी एस सी एस आर के कंपेरेटिवली देखें तो ये जो तीन कंसेप्ट है इसको इस कंसेप्ट में टी बी एल मीन्स ट्रिपल बॉटम लाइन में बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है ठीक है नेक्स्ट इज़ टी बी एल जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है बिज़नेस को री करने के लिए है ना री इन्फोर्सिंग बिजनेस अटेंशन टू कि बिज़नेस की जो अटेंशन है उसको फोकस करने के लिए ताकि वो सस्टेनेबल इश्यूज़ को एड्रेस कर सके उनके साथ डील कर सके उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल कंसेप्ट है ट्रिपल बॉटम लाइन ठीक है तो ये था हमारा ट्रिपल बॉटम लाइन का सारा उसके बारे में ठीक है तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से साथ ही साथ क्लियर करवा लेना ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ठीक है थैंक यू क्लास